बिंदिया सरकार सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर। देखा मालकिन कैसे जान बचाई हमारी बिंदिया ने बेटा जी की। अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये अभय के लिए बिल्कुल सही है। अभय की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। देखा जी आपने, पक्का पत्नी धर्म निभाया है इसे। राम भली करे, जीवन भर ऐसे ही पत्नी धर्म निभाएगी, भले ही खुद की जान चली जाए। तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, 2 दिन बाद शादी हो जाएगी। 2 दिन में इतनी जल्दी? खानदानी कंगन ले आई। जी अभी लाए। बहू अब तक चाय लेकर नहीं आई मेहमानों के लिए, शादी होने के बाद लेकर आओगी। जाओ जी अभी ले। आइए बैठते हैं, चाय पीते हैं। आइए। राम भली करे, जब देखो तब पटार 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 पटार, आई थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी का? वो तो भला हुआ मालिक का जो कि रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता? पर दूल्हा कौन है? राम भली करे, अरे दिमाग में भूसा भरा है का? अरे वही तो हैं जिनको उतनी देर हीरो जी बोल रही थी, वही तो हैं दूल्हा जी। ये दूल्हा है? हाँ? बोले बाबा जी का भी खेल। हाँ हाँ हाँ, सुन सुन। पर मामी एक बात नहीं बुझी। का? अगर ये हमरे दूल्हा है तो हमको सीधा घर का ही नहीं लाए, इनको हम शादी ना ही करनी है का? राम भले करे, हैं बड़ा करमचंद बनने चली हो, चुप्पे चाप यहीं खड़ी रहो। पर इन्होंने हमरे साथ ऐसा क्यों किया? घर है कि कोनो महल? मैं समझ आया, हे बाबू खाई इतना भैराए हुए घर में घूम के तो किसी का माथा चक्कर गिननी खा जाए। हाँ पर वो गए कहाँ? अरे आप काहे बौखलाए दिख रही? वो कहा हुआ ना कि हम कप कप लेकर जा रहे थे और चाय हमसे सोफा पर गिर गई। अब हम कब से कोशिश किए जा रहे हैं कि दाग निकल जाए पर निकल ही नहीं रहा है। हमरा तो रोना रोना ही छूट रहा है। अरे रोहे काहे, दाग है कौन अंगद का पैर नहीं, जिप पड़ गया सो पड़ गया, कुछ सोचते हैं। लड़कियों अब सोचन खातिर का शराब पियोगी? अरे नहीं जीजी, इस शराब पीने से चरित्र पे दाग जरूर लागे पर इससे कपड़े का दाग झट छूट जाइए। हाँ कैसे पर वो तो अरे का गजब नुस्खा निकाला तुमने, बहुत ही बढ़िया, दाग तो गायब ही हो गया। बिंदिया के घरेलू नुस्खे तो पूरे गोंदा में मशहूर है। हाँ बात करने के चक्कर में तो हम तो भूल ही गए, हमें अभी बाबू से बात करनी थी, कहाँ मिलेंगे वो? माँ मुझे शादी नहीं करनी, माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आप जाके कह दीजिए जिसे भी कहना है आपको। हारो की जय हो। अरे क्यों ना करनी है शादी, सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढ कर लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे एकदम सही है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ। मेरे लिए या आपके लिए या पापा की जिद के लिए कि इस घर की बहू पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी उनके आगे आवाज नहीं उठा सके? अरे कुछ
कुछ भी मत बोले जाओ। क्यों ना बोलूं माँ? अंजू भाभी 10वीं फेल, शीला चाची 8वीं पास, और ये जो नई ढूंढ के लाए ना आप, ये 5वीं तक भी पढ़ी है कि नहीं पता नहीं मुझे। मुझे एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, मैं चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी हेड हूँ। तो क्या चीफ मिनिस्टर होनी चाहिए तेरी पत्नी? अरे तो इसे बना दे चीफ मिनिस्टर। कैसी बात कर रही हो माँ? कहाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक ऐसी पत्नी हो जो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। वरना ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि शादी हो गई बस, हो गया अपना सपना पूरा, और बाकी की लाइफ किचन में क्यों ना गुजरे। मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी ही नहीं है माँ। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा, वो भी हमारी पसंद की लड़की से। पापा वो मैं सुन लिए, सुन लिए तुम्हारा आधुनिक नारी पर 100 शब्दों का निबंध। ये जो तुम बकलोली मचा रहे हो ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेघा है। देखो बर्फी का लल्ला, एक बात कान खोल के सुन लो, उसी औरत से शादी करनी चाहिए जो कद में तुमसे 4 इंच कम, उम्र में 4 बरस कम, पढ़ाई लिखाई में 4 जमात कम। और तुम रही हो मेगा, उम्र में बड़ी है तुमसे और पढ़ाई लिखाई में यूनिवर्सिटी वाली। हमरी एक बात को गांठ बांध लो कि मेगा जैसी लड़की हमरे घर की बहू नहीं बनेगी, और बिंदिया जैसी लड़की मेरी बीवी नहीं बन सकती। हमने तुमसे कहा था ना कि इसे हमारी बात माननी पड़ेगी, और तुम ये अच्छी तरह से जानती हो हमारी बात को नकारने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पापा हमेशा घर से निकालने की धमकी देते हैं ना माँ, तो ठीक है छोड़ देते हैं ये घर, आप चलिए मेरे साथ माँ। वैसे भी आपको इस घर में पापा की नफरत के अलावा मिला ही क्या है। तेरे साथ तो मैं जाने नहीं वाली, और तेरे बिना मैं इस घर में जी नहीं सकती। डोली में बैठकर आई थी, अब अर्थी में ही जाऊंगी। बचपन से आपकी ऐसी हरकतों ने मेरे हाथ बांध के रखे। आपको पता है माँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो लल्ला हाँ कहते ना, लल्ला हाँ कहते ना, और भूल जाऊं उसे जिसे मैं प्यार करता हूं। इससे पहले भी आपने झूठी बीमारी का नाटक करके मुझे मेघा से दूर करने की कोशिश की थी माँ, कितना गलत किया मैंने उसके साथ। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसे अकेला छोड़ के आ गया, अकेले परेशानी उठाई उसने, लेकिन अब मुझे अपनी गलती को सुधारना है।